प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद अब उनके करीबी रहे महंतों में डर काफी बढ़ गया है। महंतों को डर लग रहा है कहीं उनका हश्र भी महंत नरेंद्र गिरी की तरह ना हो जाए। उन्हीं में से एक बिहार के बोधगया मठ के महंत और संरक्षक रमेश गिरी महाराज हैं, जो पिछले 5 महीनों से बिहार के बोधगया मठ में चल रहे विवाद और जान के खतरे के डर से वाराणसी में अपने मठ में शरण लिए हुए। इतना ही नहीं, महंत नरेंद्र गिरी को महंत रमेश गिरी ने अपने लखनऊ के काली मंदिर मठ का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था और महंत नरेंद्र गिरी ने उनकी कई बार विवाद से निकालने में मदद भी की थी। लेकिन अब उनके ना रहने पर रमेश गिरी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बिहार से लेकर यूपी सरकार से भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। बिहार के बोधगया मठ के महंत रमेश गिरी के मठ की संपत्ति न केवल बिहार बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों और बनारस में भी है। बोधगया के मठ का भी जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने नवरात्रि में महंत नरेंद्र गिरी आने वाले थे। ये नवरात्र में कुछ आने वाले थे हमारे साथ, कुछ मठ में और कुछ चर्चा भी होने वाली थी, मगर वो रहे नहीं। तब क्या होगा हमको जो है, तो और मठ हमारे मठ में बहुत उपद्रव भी हमको भी अभी इस समय परेशान कर रहे हैं। और वहाँ अपना अड्डा बनाए हैं मठ के ऊपर, उसने कब्जा बनाए हैं, ना हमारा कुछ वहाँ चल रहा है। और हम उनके खिलाफ़ भी कुछ लिखे हैं, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। महंत रमेश गिरी की शिकायत है कि मठ के विवाद को लेकर कई बार बिहार सरकार को खत भी लिखा, लेकिन सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई। साथ ही वाराणसी में रह रहे रमेश गिरी ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं होने पर वाराणसी के अपने मठ में रह रहे हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारा वहाँ का न्याय करे हमारे साथ, और हमको वहाँ मठ के रहने के लिए हमें बॉडीगार्ड वगैरह हमारी वहाँ पर सहायता करें। बोधगया के जिस मठ का महंत रमेश गिरी खुद को बताते हैं, दरअसल उस मठ के महंत की गद्दी को लेकर भी विवाद है। मठ ने बहुत सारी जमीन कॉलेज और स्कूल के लिए दान किया, लेकिन कुछ जमीनें बेची भी गई, जिसे लेकर कुछ संतों ने धार्मिक न्यास बोर्ड से शिकायत भी की, जिसके बाद धार्मिक न्यास बोर्ड ने जमीन के बेचने पर पाबंदी लगा दी और बोधगया मठ की परंपरा के अनुसार पंचायत के माध्यम से स्थानीय लोगों के द्वारा महंत त्रिवेणी गिरी को महंत बना दिया गया। मठ महंत है, अच्छा काम नहीं कर रही है, ट्रस्ट बोर्ड के अंदर शिकायत की है, तो ट्रस्ट बोर्ड है कि भैया आपने गलत कर रही हो। ट्रस्ट बोर्ड में ये है कि आपको जो कुछ भी करना है तो आप ट्रस्ट बोर्ड से परमिशन लो पहले, कि ये हम लोग 50 दुकान बनाते हैं, 100 दुकान बनाते हैं, तो वो तो किया नहीं, तो ट्रस्ट बोर्ड ने उसको रोक लगा दिया कि आप कुछ नहीं करो। आप जितना ही है कि खेती की ज़मीन है उसमें खेती कराइए, जितना आपको किराया मिलता है वो लीजिए। साधु ब्राह्मणों को भोजन में फिर पूजा पाठ में। अभी की व्यवस्था में देखें तो बोधगया मठ बिल्कुल स्वतंत्र मठ है, जिसका किसी भी अखाड़े से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मठ के महंत के पदों को लेकर भी धार्मिक न्यास बोर्ड में मामला चल रहा है, तो वहीं जमीन के विवाद को लेकर भी महंत रमेश गिरी के खिलाफ शिकायत की गई है। रमेश गिरी ने उनके धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश के बिना दुकानों का निर्माण कर दिया और भी ज़मीनों को किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया, दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। इन सभी बातों को लेकर के बोधगया के स्थानीय लोगों ने और यहाँ के पुराने महात्माओं ने धार्मिक न्यास बोर्ड में पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ पे इनकी शिकायत की, और जितना भी आरोप पूर्व महंत रमेश गिरी जी पे लगा हुआ था वो सारा का सारा आरोप धार्मिक न्यास बोर्ड में सिद्ध हो चुका। इस मठ के विवाद को सुलझाने के लिए आचार्य नरेंद्र गिरी को आना था, लेकिन इस बीच उनकी आत्महत्या की वजह से सारे विवाद भी अटक गए।
अब देखना है कि बोधगया मठ का विवाद कैसे सुलझता है और क्या महंत रमेश गिरी की बोधगया वापसी होती है या फिर वाराणसी में ही वो अब अपनी गद्दी संभालेंगे। वाराणसी से नेहा चंद्रा के साथ, गया से पंकज कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।